अगर बोलेगा बाबा माई को मारेगा, अगर नहीं बोलेगा बाबा बिल्ली को खाएगा। इन लोगों से मैं वादा करता हूँ, जो आपके साथ दंडाली की गई, जिसने भी दंडाली की है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कदल ना आसने की वजह त्रे मकान गए पारुसुति नार बुझ त्रे मकान। मैं यकीन दिलाता हूँ हम आपके साथ हैं, यहाँ में एकदम बिछाएगा और बिछा कर ही हम दम लेंगे यहाँ पर। मुफ्ती करेंगे, वोट बैंक के लिए लोगों का इस्तेमाल किया गया है, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिलीवरी के डेथ थी गुमत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हमारा नारा यही है। दिल्ली तारदस पर बना हुई भारतीय जनता पार्टी का खून का एक खतरा इनके साथ है। इतने कहा सोशी गुमत मैं कत ही कर पोजी वन नफजू वन मोहम्मद शफी यो ना रोजान शाम मसल रोड बेहन आइटमन हूं मसल गांस मैं कह फैसलटीज गांस गोडे रोड मसल क्या रोड आल बन सारी अदार हकन मसल बन रोड मसल दस मे गई तो कदल शुरू सह गो जे के पी सी एन यमर अब्दुल तम वक्त फोटो स्टेशन तो तम पाए जोदह महबूब मुफ्ती त्रो पे पोस तो कदल तोर और योर तो अब बहुत पी एस वर्कर आलरेडी जे के पी सी एस सी पंचो लक्ष रुपये बंद अत गई शेवरी तो सह अस बर्दाश मगर मसल रोड से काम चलान कह तम वक्त वो दोमुत बाजत पे लैंडस यह मुआवजे तह सह मुआवजे तह कसी बह गो डी सी सबस तान मामर कैप्टेरिया मज तम सा वो डी सी सबस मेहरबानी कर वो सानस गाम दि नजर सोन गाम कत हालत मज तो तम वक्त वो डी सी सब दो चोन थो मे लिखित इनशा रहमान अत करो कारवाई तम पत् कर मीटिंग वाया एस डी एम सबस तोस तहसीलदार सबस तोस इस डी डी सी तमिस तोस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर एन बी एस तोस सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर आर एन बी एस तोस एम डी एस तोस जे के पी सिक्स डी जी एमस तोस जे के पी सिक्स तमाम वफद स गई गाम मजट कम से कम दह वह नफर इकवट फी दफ्तर पकान फेरान तो सोन बूज नासी वो वो तुम हालत पे वो वो तुम हालत हालत क्या सानस गाम मज गाड़ी हेकान योर खसित बमार आ डिलीवरी केस आ सह हेकान यह गाड़ी मज सफर कर क्या यह कोश रोड कने आज पल ये तो मेहरबानी कर अगर वन रोड कह ग वो आये ये नो हुकूमत ये वो सा यह मोदी साबन दोपन अस यू टी बन ये दोपन मे हाँ दिल्ली हूं तर्ज पशी तो बना मगर वह वह कहीं मेहरबानी कर अगर जन तुम दिल्ली हूं तर्ज पे बना सानस गाम खाली रोड योत अम पे कहावत पाई दपा अगर बोलेगा बाबा माई को मारेगा, अगर नहीं बोलेगा बाबा बिल्ली को खाएगा। इतने कहा सोशी गुमत मैं हेकान ना कत ही कर पोजी वन नफजू वन मेहरबानी कर अगर कत वात ब्रो तम ताकि सोन सा ये मसल गए हल मुसीबत में आमुत हेन ये गाड़ी अगर लुको थम गाड़ी तम तो गई खत्म वक्त सवलाद दुता ये इंतहाई शुक्र गुजार मगर अर्ज यह चीज कदल ना आने के वजह त्रे मकान गई पारुसुत नार बुझ त्रे मकान चोर मकान तम दजहान नजह चु अगर सीध फायर सर्विस वाथे गाड़ी वाथे मगर फायर सर्विस वालस खालव खता है ऐसा क्या आख नु आव मगर ये बुत सड़क लिहाजा गोस यूत कॉल वारिया सफर करा मुमकिन ये तक आस ग मे पूर याद कह गुत कह डिलीवरी केस आेथ त गमत वजह चु सड़क हूं वजह चु अत पे कह रोड वंद सफर कर सड़क आब इत मसल ग लगान आब नलक लगान या ये को ड्रेन ये चन अत कह लिहाजा बच सकूल गिमन तुम मुश्किल गचि सकूल गिमन तंतहाई मुश्किल गिहाजा चला हम गुजारिश कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर रोड आसन ताकि गाम तो बचे क्या पर्स गए चोर मकान नार बुझ अल्लाह तला बचन अगर रोड आसे तमों मज बचान तोत ज गुजारिश करा तमाम आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कि 2009 के बाद यहाँ पर जो सतोली माँ का सुलूक किया गया खासकर ये छावा के लोगों के साथ ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोट बैंक के लिए लोगों का इस्तेमाल किया गया है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ और अपने
वरिंदर राव से गुजारिश करना चाहता हूँ यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो इनके सामने माँ का सुलूक किया गया वो हम कब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर जब इलेक्शन का बिगल बजता है वोट के लिए यहाँ पर लोग आ जाए, लीडर्स पहुंचते हैं, एमएलए पहुंचते हैं, वोट लेते हैं अपने परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए। ये वो सियासतदान पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हमारा नारा यही है। हर जगह मैकडम रोड पहुंचाना ये मोदी साहब का नारा है, नल पहुंचाना घर घर पहुंचाना है मोदी साहब का नारा है। इन लोगों से मैं वादा करता हूं जो आपके साथ दंडाली की गई, जिसने भी दंडाली की है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपकी चांद की माध्यम से कह रहा हूं किसी को नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है हमेशा और रहेगी, और आपको इंशाल्लाह हम जल्द दिखेंगे। मैं खासकर आरएमपी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, और खासकर डीकॉम से, यहां का जिन लोगों की मुसीबत देखिए आप अपनी आंखों से आके, इनके साथ जो 2009 के बाद इनके साथ जो सुलूक किया गया है, सबरी मां का सुलूक जो किया गया है, हमें देख के आज बर्दाश्त नहीं हुआ। इन लोगों को जब यहाँ पर खुदा पर कहीं आग लग जाती है क्योंकि फायर सर्विस गाड़ी नहीं पहुंचती है, एम्बुलेंस गाड़ी यहाँ पर बीमार होता है वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचती है। लेकिन इतना मुसीबत हो चुकी है मैं आपको क्या बयान कर सकूं। और यहाँ पर जब हमारे कल हमारे यहाँ पर जो कि यहाँ का नमनदार है शबीर साहब, जब इन्होंने कल ये हमारे अपनी बात पहुंचाई हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद शाह साहब के पास, उन्होंने हिदायत दी हमारे सदर ने वहां जाइए मौके पर देखिए क्या मुसीबत इन लोग, और आज यहाँ देखकर मैं अपने प्रेसिडेंट साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ ये बात आप रविंद्र साहब के नोटिस में लाइए और तुरंत इन लोगों को यहाँ पर मैकडम बिछाने का काम शुरू कीजिए। और साथ साथ मेरे हिमरा रहे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मंजूर भट्ट साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनको मैं यकीन दिलाता हूँ हम आपके साथ हैं, यहाँ मैकडम बिछाएगा और बिछा कर ही हम दम लेंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का खून का कतरा इनके साथ है। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।